तो एग्जाम्पल देखते हैं वही वाला पहला, उसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले, है ना, बुरा मान जाएगा वरना ये, है ना। तो इसका हमें बनाना है एस एफ टी बी एम डी। तो कभी भी हमें एस एफ टी बी एम डी बनाना है, यदि कॉलेज में आप एस एफ टी बी एम डी के क्वेश्चंस करते हो एग्जाम में, या फिर कभी मेंस वगैरह में करते हो, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा रहता है उसको सेपरेट एक जगह बना दो, है ना, क्योंकि हमें एस एफ डी एंड बी एम डी उसी के नीचे ड्रॉ करेंगे, ताकि अच्छा है, बार बार के लिए मेहनत नहीं करेंगे, है ना। तो ड्रॉ एस एफ डी एंड बी एम डी। तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, 100 में, तो यहाँ पे हमें पता है कि डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर ही है, लेकिन जब सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हो टोटल, तो उसमें ज़रूरी नहीं है। तो डी आई पहले फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो हमें इसका तो डी आई पता ही है ना, तो ये हो गया वी ए, ये यहाँ इस पॉइंट पे लगा रहता है, यहाँ वाले पे, है ना। तो एच ए एंड वी कहीं पे भी है, मतलब वी डी, है ना, ठीक है। हम वी ए या वी बी या एच ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो पहले हम लिखते हैं कि समेशन ऑफ एफ वर्टिकल इक्वल्स टू जीरो, है ना। तो हमारे पास वर्टिकल में कौन कौन से लोड है, यदि इसको अप को पॉजिटिव माना है ना, तो वी ए पॉजिटिव माइनस पी, क्योंकि डाउनवर्ड्स है ना, डाउनवर्ड्स दिखा है, प्लस वी बी इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है वी ए प्लस वी बी इक्वल्स टू पी, इक्वेशन वन, है ना। वैसे ही हमारे पास एक और कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, समेशन ऑफ एफ हॉरिजॉन्टल इक्वल्स टू जीरो। हमारे पास हॉरिजॉन्टल में बहुत सारे फोर्सेस हैं, देखते हैं कितने फोर्सेस हैं, एच ए एक ही है ना, बहुत सारे कहाँ है, ठीक है ना। फिर हम समेशन ऑफ एम इक्वल्स टू जीरो, हमें ये कंडीशन एक ही बार लगती है किसी भी एक पॉइंट पे, मतलब आप कहीं पे भी लगा सकते हो ये वाला कंडीशन, क्योंकि हर एक पॉइंट इक्विलिब्रियम में है ना। तो हम एक ही बार में इसको आंसर निकाल देंगे, हम यदि ए बी सी या बीच का पॉइंट या कहीं के, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बीम हमेशा इक्विलिब्रियम में है, तो कहीं से भी लगा दो। तो हम अभी लगा देंगे, यदि हमें ए का, पिछली बार मैंने वी बी फाइंड करवाया था, अब वी ए फाइंड करवा देता हूँ, है ना। तो समेशन ऑफ एम बी इक्वल्स टू जीरो, है ना। तो ये वाले पॉइंट के अबाउट करना है, तो ये वाला जो वी ए इनटू इसका लेंथ, इसका लेंथ एल है, और ये L/2 पे लगा था, है ना, समझ में आया। तो वी ए इंटू एल, यहां से इसका डिस्टेंस वी ए का एल, है ना, ये क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ले लो, ठीक है, माइनस पी पी, और इसका डिस्टेंस बी से L/2, है ना, बी बी प्लस माइनस कुछ भी ले लो, क्योंकि ये तो जीरो होने वाला है ना। तो वी बी इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो हमारा वी ए क्या आ गया बताओ, P/2 आ गया, पॉजिटिव आया या नेगेटिव, पॉजिटिव आया, मतलब जो डायरेक्शन हमने वी ए का अज्यूम किया था, क्योंकि हमें पता नहीं था वी ए ऊपर है या नीचे, है ना। तो ये जिस भी डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हमारा वी ए है, इसको हम पुट करेंगे यहाँ, तो हमारा वी बी भी आ जाएगा क्या, P/2 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, आपको ही बताना है, ठीक है। यहाँ पे हमने दो सेगमेंट है इस बीम में, एक दो, तो हम इसमें से पहले इस वाले सेक्शन में फाइंड कर लेते हैं। तो हमने पढ़ी थी डेफिनेशन, यदि हम टेकिंग फ्रॉम एस एफ, पहले तो हम लिखेंगे टेकिंग सेक्शन
एट एक्स एक्स, है ना? ठीक है, तो उसके बाद हम लिखेंगे एस एफ, कहाँ से लिया है हमने, लेफ्ट या राइट? तो हम लेफ्ट लिख दो या राइट से भी लिख दो, बराबर आने वाला है। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्स है, यहाँ पे इसके लेफ्ट में जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है या फिर ट्रांसवर्स फोर्सेस है उनका समेशन कर दो। तो यहाँ पे हमारा VA था P/2। हमें पता है कि लेफ्ट में यदि कोई सेक्शन होता है और ऊपर की डायरेक्शन में यदि वो फोर्स प्रोवाइड करता है तो पॉजिटिव होता है ना? तो अब से डायरेक्शन सबसे पहले लिखना है कि प्लस P/2, तो हमारा शियर फोर्स लेफ्ट में P/2, ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा कांस्टेंट है। मतलब यदि हम ये सेक्शन यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही हम इसको इसके बियॉन्ड ले जाएंगे, ये हमारा पी आ जाएगा, ये पी आ जाएगा, तो हमारा शेयर फोर्स भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अल्जेब्रिक सम बदल जाएगा, है ना? ये एक्स एक्स लिया था, एक और सेक्शन ले लेते हैं हम, वाई वाई, है ना? तो टेकिंग टेकिंग सेक्शन एट वाई वाई, है ना? तो शियर फोर्स लेफ्ट में निकालें या राइट में, तो मैं लेफ्ट में ही अभी बता रहा हूँ, बाकी कहीं से भी निकाल सकते हो। लेफ्ट में अभी इस वाले केस में राइट वाला इजी हो जाएगा, तो मैं लेफ्ट वाला बता दूँ, है ना? तो हमारा शियर फोर्स क्या था कि यदि इधर साइड सेक्शन के लेफ्ट साइड में यदि अपवर्ड फोर्स है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वी है, मतलब पॉजिटिव P/2, एंड फिर ये डाउनवर्ड माइनस P, है ना? ठीक है, तो हमारा शेयर फोर्स क्या आ गया, माइनस P/2। मतलब इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा? ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट, ठीक है ना? ए पॉइंट पे हमारा शेयर फोर्स क्या आया था, इन सेगमेंट AC, है ना? तो AC में हमारा शेयर फोर्स आया था P/2। तो ये हमारा P/2 पॉजिटिव था या नेगेटिव था, है ना? और ये हमारा सेक्शन कहाँ था, इन सेगमेंट CB था कि नहीं था? CB में हमारा फोर्स आया था नेगेटिव P/2, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव P/2। ठीक है, तो ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम बन गया। ठीक है, अब समझ में आ गया कि इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसा बन रहा है ना? पहला क्वेश्चन है, बहुत आराम से समझा रहा हूँ एक एक चीजों को, कैसे सेक्शन लेना है और कैसे रिप्रेजेंट करना है, वरना ये क्वेश्चन कोई भी 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा, इवन बेंडिंग मोमेंट निकालने में भी, पूरा का पूरा करने में। ठीक है, वो फट से झट से बता देगा। हमारा यही काम रहेगा आखिरी तक। मैं क्या करूँगा, अभी मैं एक एक चीज बहुत आराम से बता रहा हूँ, लेकिन आखिरी तक आप जब प्रैक्टिस करने लग जाओगे इन क्वेश्चंस का, मतलब बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये आप, है ना, ऐसे चुटकियों में बनाओगे कि यार यहाँ पे ये ऐसा ऐसा ही बनेगा। मतलब आप जैसे ही डायग्राम देखोगे फट से ऐसा बता दोगे कि ये इसका शेयर फोर्स डायग्राम ऐसा ही बनेगा, है ना? तो मेरा काम यही है कि आपको कम से कम मेहनत करना पड़े, है ना? क्योंकि इसमें क्वेश्चंस, एक होता है क्वांटिटेटिव जिसमें बोलेगा कि इस सेक्शन पे शेयर फोर्स कैलकुलेट करो, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा कैलकुलेट करके हमें उसकी क्वांटिटी एग्जैक्टली बतानी पड़ेगी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको उसका डायग्राम बताना है कैसा वेरी कर रहा है, उनको क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, है ना? तो उस टाइम पे आप फट से देखोगे और आप डायग्राम बता दोगे कि इस वे में होता है ना? तो ये हमारा हो गया शियर फोर्स डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए जो ये कंडीशंस हैं,
है ना। तो हमारा सेक्शन कहाँ लिया हमने, वहीं लेंगे है ना। और उस सेक्शन से यदि वो सेक्शन का डिस्टेंस लेट अस से कि ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का x है ना, जो कि वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, जीरो से तो यहाँ तक, मतलब ये सेक्शन इस वाले सेगमेंट में वेरी कर रहा है ना। तो हम टेकिंग बेंडिंग मोमेंट लेफ्ट या राइट कहीं से निकालो सेम ही आएगा, एक बार ट्राई करना, आप राइट से भी निकालो ट्राई करना सेम ही आएगा है ना। जो भी डाउट आता है ना, कभी भी आपको कभी भी डाउट आता है ना, तो उस डाउट को सबसे पहला काम रहता है कि उसे उसी वक्त जहां भी आया वहां पे लिख लो। डाउट लिख लिया है ना, देखो डाउट को आना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन डाउट आया ही नहीं है तो सॉल्यूशन का क्या, ठीक है। तो सबसे पहले डाउट आया, अब यदि डाउट आ गया, हमने मेहनत करके डाउट ला ले आए हम, तो उस डाउट को कहीं नोट कर दो ताकि वो डाउट फिर से हम भूल ना जाए है ना। तो अब जहाँ पर भी है वहाँ पर डाउट नोट करो, उसको ट्राई करो कि उसको खुद सॉल्व करो, नहीं हो तो गूगल वगैरह की मदद करो, और हम तो हैं ही है, साथ में है ना। है ना, तो हम तो साथ में है ही। तो इसमें जो भी डाउट आता है, मान लो कभी भी जैसे अभी लेफ्ट का निकाला, राइट का निकाल लो यार, चुटकी में आ जाएगा है ना। तो अभी हम एम लेफ्ट से निकालते हैं, ये यहाँ से चालू किया वी ए इनटू ये डिस्टेंस एक्स, क्योंकि हमें इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है, मोमेंट। तो हमारा जो सेगिंग वाला जो डायग्राम बन रहा था, पता है ना कैसा बन रहा था, उसमें यदि ये वाला फोर्स था तो ये सेग कर रहा था, मतलब ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट प्रोवाइड कर रहा था, मतलब यदि अपवर्ड है तो पॉजिटिव, सबसे पॉजिटिव है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे पी बाई टू लिख दिया और हम चल काम चल जाएगा, नहीं, पॉजिटिव लिखो, यही मिस्टेक्स होती है छोटी छोटी। पी बाई टू इंटू उसका डिस्टेंस एक्स, और कोई है नहीं है, मतलब हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो एक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे ही हम टेकिंग सेक्शन एट वाई वाई है ना, कौन सा सेगमेंट है वो हमारा, इन सेगमेंट बी सी है ना। तो इसमें यदि हमारा एक्स हमने वहीं से ले लिया है ना, तो हमारा एक्स तो वेरिंग है, हमारा सेक्शन अब यहाँ पहुँच गया है ना। तो ये वाला जो एक्स है अब, क्योंकि हमारा सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पहुँच गया है, तो एक्स तो वही है हमारा है ना। उसमें लिखेंगे हम बेंडिंग मोमेंट लेफ्ट में है ना, पी बाय टू इंटू एक्स, पी बाय टू इंटू एक्स पॉजिटिव है ना, माइनस पी इंटू एक्स माइनस एल बाय टू। समझ में आया कैसे आया, यदि ये हमारा टोटल एक्स है, ये डिस्टेंस यदि हमारा एक्स है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा यदि ये एल बाय टू है ना। बहुत आराम आराम से क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, देखते जाना है ना, फिर हम जब एक बार लेवल पे आ जाएंगे तो ये तो चुटकियों का काम है। अभी मैंने बताया था 2 सेकेंड का काम है, लेकिन पहले वाले में है तो सेक्शन कैसे लेना है, सेक्शन कैसे वेरी करता है, कैसे सेक्शन की पोजीशन चेंज होती है ना। तो ये आ गया, इसको अच्छे से सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये जो p बाई टू एक्स माइनस पी एक्स प्लस पी एल बाई टू, तो हमारा हो जाएगा कि पी एल बाई टू हो गया, और ये वाला माइनस पी एक्स बाई टू, ठीक है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे अलग अलग और हमें आंसर्स मिल जाएगा है ना, ठीक है। तो हमारा पहला सेगमेंट कहाँ का था, पहला सेगमेंट कौन सा था हमारा,
एसी था, तो एसी के लिए कौन सी इक्वेशन बनाई थी हमने? ये वाली बनाई थी। एसी में यदि यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे हम एट एक्स इक्वल टू जीरो, बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा हमारा? बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू जीरो आ गया, और एट एक्स इक्वल टू एल बाई टू हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? हाँ, पी एल बाई फोर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो था, यहाँ पे क्या हो गया? पी एल बाई फोर। एक्स जो है वो लीनियर है, उसकी डिग्री वन है, डिग्री वन है मतलब यहाँ पे पावर वन है ना, तो स्ट्रेट लाइन रहेगी, थोड़ी सी टेढ़ी वेढ़ी दिखी है लेकिन स्ट्रेट लाइन रहेगी, स्ट्रेट। ठीक है, अब से ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन ही स्ट्रेट लाइन है, समझ गए? अब यदि यदि ये सी हमें बी पे निकालना है, तो हमारा एल, हमारा जो एक्स है वो क्या हो जाएगा? एल है ना, तो वो बी जो पॉइंट है वो किस वाले सेक्शन में है? सेगमेंट में है, बी सी में। तो हमें एट एक्स इक्वल टू एल पुट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? पी एल बाई टू माइनस पी, यहाँ पे एल बाई टू मतलब जीरो हो, तो हमारा बेंडिंग मोमेंट यहाँ भी जीरो आ जाएगा। तो हमारा बेंडिंग मोमेंट यहाँ भी जीरो है, और सिंस ये लीनियर बेरिंग है तो ये यहाँ पे ऐसा बेंडिंग मोमेंट बन जाएगा। हमारा जो सी पॉइंट है वो बी में, बी सी में भी है और ए सी में भी है ना, तो सी पॉइंट में क्या हम दोनों में इक्वेशन, दोनों में यदि पुट करें तो सेम आएगा? चेक कर लो, आ जाएगा। ठीक है ना, तो डाउट आया थोड़ा सा, चेक कर लो, फट से करोगे तो वही वही पी एल बाई फोर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा इस वाले का शियर फोर्स डायग्राम ये हो गया हमारा एस एफ डी, और ये हो गया बी एम डी है ना। तो ये हमें जब हम यूनिवर्सिटी एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब हम इसको ये कर देंगे तो हमें शायद 20 मार्क्स भी दे दें। 10 मार्क्स का तो आता है, 8 मार्क्स का आता है, कभी सभी आएगा तो मान लो मिड टर्म्स में, लेकिन गेट वगैरह में इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। इसमें मैंने आपको टोटल समझाया कि यदि मेंस वगैरह में भी लिखना है तो मेंस में एक सबसे बड़ी हेडिंग आती है, लिखना है कि सिंस डी आई इक्वल्स टू जीरो, डी आई हमें पता है ना कैसे, आर माइनस ई माइनस कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस है ना, तो आप मेंस में भी ऐसे ही लिखना पूरा, तो आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिलेगा। लेकिन मैं बता दूंगा फिर, यदि यदि मेंस वगैरह या यूपीएससी ईएससी वगैरह की गाइडेंस भी चाहिए तो मैं बता दूंगा कि वहाँ पे इतना ज़्यादा लिखोगे तो तुम्हारा टाइम ही और हो जाएगा, तो वहाँ पे कैसे जल्दी जल्दी करना है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, अब मैं उतना ज़्यादा इलाबोरेशन नहीं करूँगा फट से, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना। तो यहाँ पे हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम लिया है, उस पर यूडीएल लगाया है, यूडीएल ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, यूडीएल की इंटेंसिटी क्या है? डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब एक मीटर में कितना डब्ल्यू किलो न्यूटन है। यहाँ पे ए है बी है, ये क्या इसकी डी आई जीरो है? हाँ है, कैसे है ना, पता है क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है। सो वी ए इधर होगा, एच ए इधर होगा, पी बी। ओके, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन जीरो कर देंगे, मतलब हमारा आया वी ए, ऊपर वाले को अभी पॉजिटिव ले लिया है ना, फिर इसकी लेंथ एल भी है, सबको पता है। ठीक है, ये यदि W किलो न्यूटन 1 मीटर में है तो L मीटर में कितना हो जाएगा? माइनस W इंटू L हो जाएगा। ठीक है, प्लस VB इक्वल्स टू
जीरो, है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, वी ए प्लस वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल, है ना। ये छोटा डब्ल्यू रहता है, ये तो पी, या बड़ा डब्ल्यू वो डायरेक्ट लोड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या थी, समेशन ऑफ फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो, मतलब हमारे पास जो भी सारे बहुत सारे फोर्सेस हैं ये वाले सब जीरो, इनको इक्वेट कर देंगे जीरो के अबाउट, एक ही है ना। मोमेंट निकालना है हमें, कहीं भी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल लो, आंसर आ जाएगा ए या बी, बीच में से मत निकालना। हाँ तो आंसर वही भी जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, है ना। तो ए के अबाउट कभी हम करें तो फर्स्ट वी ए इंटू जीरो वहीं पे है हमारा, ये यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो प्लस डब्ल्यू एल मतलब टोटल लोड, और यदि ये लोड हमारा सेंटर ऑफ इस बीम के सेंटर से लग जाए, है ना, तो मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा एल बाई टू डिस्टेंस पे, ठीक है। और ये वाला हमारा जो है ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वी बी इंटू ये डिस्टेंस एल, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। तो हमारा वी बी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, चेक करो, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। तो वी बी को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा वी ए भी आ जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू, मतलब दोनों पॉजिटिव में ही है, मतलब हमारा अज्यूम डायरेक्शन अभी तक तो सेम, मतलब सही ही है ना। हम एक सेक्शन लेंगे, कितने डिस्टेंस पे लेंगे उस सेक्शन को, एक्स डिस्टेंस पे ले लिया, है ना। तो वही कि टेकिंग सेक्शन इन सेगमेंट एक ही है यहाँ पे, तो ए बी, है ना। यदि यहाँ पे शियर फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, शियर फोर्स, तो शियर फोर्स लेफ्ट राइट निकालूँ, राइट निकालता हूँ, शियर फोर्स राइट इक्वल्स टू, हमें पता है कि जो हमारा वी बी है ये क्या है, वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल बाई टू, है ना। तो हमारा जो सेक्शन है उसके राइट में यदि अपवर्ड है तो नेगेटिव है, तो हमारा पहला माइनस डब्ल्यू एल बाई टू आ गया, है ना। और ये वाला डिस्टेंस तो फिर हम सेक्शन भी, ये जो एक्स भी वहीं से ले लेते हैं, क्यों कॉम्प्लिकेटेड करेंगे इसको, एल बाई एक्स और वो मान के, जिससे अच्छा यहीं से लो सेक्शन का डिस्टेंस भी यहीं से ले लो, ये ले लिया आपके डिमांड पे, है ना। तो एक्स आ गया हमारा, तो यदि ये अपवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में राइट साइड में क्या है, पॉजिटिव, कितना है पॉजिटिव डब्ल्यू इंटू लेंथ कितनी है वहाँ पे सेक्शन तक, एक्स आ गया, आ गया। एक ही सेगमेंट है तो हमें एक ही इक्वेशन में काम तमाम हो जाएगा, है ना। तो जब एक्स जीरो रहेगा, क्या रहेगा, एक्स जीरो रहेगा, तो हमारा शियर फोर्स, जब एक्स इक्वल टू जीरो तो हमारा शियर फोर्स माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, और जब एक्स इक्वल टू एल मतलब पॉइंट ए, है ना, तो हमारा शियर फोर्स कितना हो जाएगा बताओ, प्लस डब्ल्यू एल बाई टू। तो लो हमारा डायग्राम बन गया, हमारा डायग्राम बन गया, हमारे पास ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बीम हो गया हमारे पास, ए पॉइंट पे हमें मिला पॉजिटिव पॉजिटिव डब्ल्यू एल बाई टू, और सी पॉइंट पे मिला हमें नेगेटिव डब्ल्यू एल बाई टू, मिल गया। बीच में क्या है, सिंस इक्वेशन हमारी एक्स की डिग्री है 1, लीनियर है,
और कुछ भी नहीं है फोर्सेस वगैरह, तो इनको बीच में जो इनका ये जो पॉइंट रहेगा ये L/2 डिस्टेंस पे रहेगा। आप पुट करके देखना, L/2 पुट करने पे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे जो है ये कर्व नहीं है यार, है ना। आज से ये जो कर्व है यही अभी स्ट्रेट लाइन है ना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, यू नो। ठीक है, हम बेंडिंग मोमेंट भी निकाल लें, नोट कर लेना। बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन में नीचे ही लिख सकता था, पर मैं नहीं लिखूंगा अभी। ठीक है, तो हमारा जो सेक्शन है वहीं ले लिया है हमने, और बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन भी लिख लेते हैं कि बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स फ्रॉम, कहाँ से हमने बेंडिंग मोमेंट लेफ्ट लूँ या राइट, राइट ले लूँ इस बार, वही वाला है ना। तो राइट में हमने बताया था कि जब बेचारा फोर्स सेक्शन के इस साइड लगता है कैसा ऐसा, तो ये इस तरह से स्माइल देता है हमें, है ना। तो ये पॉजिटिव W पॉजिटिव लिखना ज़रूरी है, W L/2। और हमारा सेक्शन से डिस्टेंस कितना है, एक्स है कि नहीं है, W L/2 का डिस्टेंस एक्स है कि नहीं है, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, और हमारा जो W का लोड है वो नीचे लग रहा है, मतलब माइनस W W इंटू X, मतलब टोटल लोड कौन सा वाला, इतना वाला लोड, ये हो गया W इंटू X लोड, है ना, इंटू इस सेक्शन से इसका CG, इस वाले सेक्शन का CG कितना रहेगा, X/2 पे, है ना। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, W L X/2 माइनस W X²/2। तो हम जब X इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, इस इक्वेशन में X इक्वल टू 0 पुट करो, कर दो। X इक्वल टू 0 मतलब हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, सी पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 है। जब X इक्वल टू L पुट करें तो इसमें L पुट करो, W L²/2 माइनस W L²/2, अरे बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे भी 0 आ गया, मतलब इस पॉइंट पे भी 0 आ गया, मतलब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। नहीं रे बाबा, 0 आ गया मतलब ऐसा नहीं है, हमें इक्वेशन है ना। तो इस इक्वेशन का अभी क्या है, मैं नेक्स्ट सारी इक्वेशंस का आपको बताऊंगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे देखना है, ओके, और कैसा कर्व बनेगा। तो इसका कर्व बनेगा ऐसा, जब आप हर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, अभी यहाँ पे X इक्वल टू L/2 पुट करो, है ना, तो क्या आएगा, जब हम W इसमें पुट करेंगे, हम W L/2 इंटू यहाँ पे एक्स की जगह L/2 पुट किया, है ना, माइनस W L, ये W/2 इंटू L²/4, है ना। तो W L/4 माइनस W L/8, तो क्या आ जाएगा, W L/8 पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, हमारा ये जो आ गया L/2 डिस्टेंस पे, ये आया W L/8 पॉजिटिव आया, तो ये टोटल का टोटल पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है ना। तो अब हम कर्व्स को कैसे बनाते हैं कि ये कर्व ऐसा ही आएगा, ये डाउनवर्ड क्यों नहीं आया, पॉजिटिव ही क्यों आया, तो वो देख लेंगे। ठीक।